तहफ्फुज़े दीन का कारवां रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा रवा दवा तहफ्फुज़े दीन का कारवां रवा दवा उलमा का साथ दो आओ सबके सब यहाँ उलमा का साथ दो आओ सबके सब यहाँ। जब वो शेर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि रुआं रुआं बोलता है, और ज़खीरे अल्फाज तो हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े होते हैं। दुनिया में हर दिल अजीजी और मकबूलियत हर कसो नाकस का मुकद्दर नहीं बनती, मगर खुदावंद आलम ने आपको खूब खूब अपने लुत्फ करम से नवाजा है कि आप जिस महफिल में तशरीफ़ फरमा होते हैं उस महफिल का हुस्न दुबाला होता है। मेरी मुराद बरसगीर में नातिया मुशायरों की आबरू, मर्द कलंदर, अहले दिल बुजुर्ग शायर इस्लाम हज़रत मौलाना कारी एहसान मोहसिन कासमी साहब हैं। मैं हज़रत वाला से गुजारिश करता हूँ कि बहुत देर से ये आशिकान रसूल का मजमा आपको सुनने के लिए मोहब्बत भरे दिल और हसरत भरी आँखों को संभाले बैठा है। अर्ज करता हूँ बज़्म सुखन को हुस्न के सांचे में ढालिए, बज़्म सुखन को हुस्न के सांचे में ढालिए, नातें सुना सुना के सबकी हसरत निकालिए। लीजिए आपके महबूब शायर आपके दरवाज़ा दिल पर हज़रत मौलाना कारी एहसान मोहसिन कासमी साहब माइक पर। इस पोजीशन में था नहीं कि मैं किसी प्रोग्राम में बाज़ाब्ता शिरकत कर सकूँ। साले गुज़िश्ता भी हज़रत वाला ने मुझे हुक्म दिया था, लेकिन अल्लाह तबीयत के बाइस तब भी तामील ना हो सकी थी। इस वक्त भी तामील ना करना तो यकीनन बड़ी सुअदबी और गुस्ताखी थी। तो मैंने तौअन करहन कबूल किया और हाजिर हो गया, और साथ साथ हजरत से भी गुजारिश कर दी कि मैं अब अपने सामीन के मेयार पे शायद पूरा ना उतर पाऊँ, इसलिए कि उन्होंने मेरी जवानी की नज़में नातें सुन रखी हैं। अब मैं उनको अपनी अलील तबीयत के साथ बुढ़ापे की सूरत में क्या सुनाऊंगा, कैसे उनको अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाऊंगा। हज़रत वाला ने फरमाया तबर्रुक ना जाइए, तो सच्चाई तो यह है कि मेरी हाजिरी का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया। अब आप लोगों की तवज्जो पर मुनहसिर है, तवज्जो के साथ साथ कलबी दुआएं मेरे साथ होनी चाहिए। जी ज़रूर इंशाल्लाह, तो शायद कुछ देर गाड़ी चल जाए। जी सब हम अतन मुतवज्जे हैं माशाल्लाह। हज़रत हम एक नाते पाक सुनाते हैं आपको। जी आता हो। वो नाते पाक नहीं बल्कि मुनाजात बारी ताला से शुरू करते हैं। जी आता हो। है विल्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द व सना का, सुभान अल्लाह। है विल्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द व सना का, हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द व सना का, हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द व सना का। ला रैब वज़ीफ़ा है ये आलम की बका का, ला रैब वज़ीफ़ा है आलम की बका का। रहमान और रहीम आप से मेरी ये दुआए, रहमान और रहीम आप से मेरी ये दुआ है। साया रहे हम पर तेरी रहमत की रिदा का, साया रहे हम पर तेरी रहमत की रिदा का। है विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द व सना का, हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द व सना का। तू खालिक मुतलक है अज़ल और अबद का,
तू खालिक मुतलक है अजल और आबद का, मालिक है खुदावंद तू ही रोज़े जज़ा का, मालिक है खुदावंद तू ही रोज़े जज़ा का, हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द सना का। हम तेरे परिस्तार हैं तेरे ही भिखारी, हम तेरे परिस्तार हैं तेरे ही भिखारी, हम तेरे परिस्तार हैं तेरे ही भिखारी, हमको तो सहारा है फकत तेरी अता का, हमको तो सहारा है फकत तेरी अता का, हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द सना का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द सना का, या रब तू चला हमको सदा रास्ता सीधा, या रब तू चला हमको सदा रास्ता सीधा, खो जाए ना हमसे भी निशारा है हुदा का, खो जाए ना हमसे भी निशारा है हुदा का, हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द सना का। मुनाजात तो मेरी ये लंबी है लेकिन बस एक शेर सुनती है वहां से शुरू करते हैं फिर अपना आपका दूसरा रुख। हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द सना का, होठों पे मेरे जिक्र हो इस बात नफी का, होठों पे मेरे जिक्र हो इस बात नफी का, होठों पे मेरे जिक्र हो इस बात नफी का, बस एक वजीफा है यही रफ़े भला का, बस एक वजीफा है यही रफ़े भला का, हे विर्द ज़बां ज़िक्र तेरी हम्द सना का। तो आइए उसी वजीफा को कर लेते हैं ना कुछ देर। शेर व शायरी तो आपने सुन ली, बहुत लोगों को सुना, अच्छे अच्छे नौजवान को, नौजवान शोरा को, हमारे ताबिश रिहान और हमारे मुफ्ती तारिक जमील, ये लोग आपके दिलों पर हुक्मरानी कर रहे थे। तो अब तो आप थोड़ा सा जिक्र कर लो क्यों भाई जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिक्र में ही आपकी दिल जोई हो जाएगी आप इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दिल का घर चमकाना है, गरिमान बनाना है, मिल्लत को बतलाना है और नगरी नगरी गाना है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो ला इलाहा محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل ہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تجھ کو آگے بڑھنا ہے، نفس عدو سے لڑنا ہے، منزل مل جائے گی تجھے پر ہر دم یہی پڑھنا ہے۔ لا الہ الا
इलाहा इल्लल्लाह ना इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ना इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक मेरी और नज़्म समाअत फरमाने, वो भी खानकाही नज़्म है, क्योंकि अभी तारिक जमील साहब ने कुछ हिस्सा मेरा लेकर आप लोगों को दिया, तो मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता कि ज़्यादा देर तक आपको आजमाइश में मुबतला करूँ। आप खुद इसके खूगर बन जाइए और खूब कसरत के साथ जिक्र कीजिए, इसमें किसी मजलिस सजाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तन्हाइयों को जिक्र से मुजयन कीजिए, अपने कुलूब को रोशन कीजिए। आइए मेरी नसीब सुनो आप खास तौर से, ये भी अकेला नहीं पढ़ूंगा मैं। अल्लाह 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 बोल अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे अल्लाह अल्लाह बोल अल्लाह 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 बोल उसका जलवा देख सकेगा दिल की आंखें खोल तख्त खिलाफत पर आदम को ला के बिठाए ओ अल्लाह और उनको सब इंसानों का बाप बनाए ओ अल्लाह ईसा को बिन बाप के पैदा करके दिखाए ओ अल्लाह हव्वा को बिन माँ फितरत की राह दिखाए ओ अल्लाह मांगना है जो बोल अल्लाह 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 बोल अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे अल्लाह अल्लाह बोल अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे अल्लाह अल्लाह बोल जिसने बनाए शम्स व कमर और जगमग तारे ओ अल्लाह जिसने नबी पर कुरान के नाजिल किए पारे ओ अल्लाह जिसने सजाए धरती पर पुरकैफ नजारे ओ अल्लाह जिसने भरी दुनिया में बहाए रिज्क के धारे ओ अल्लाह बजे हैं उसकी बजे उसकी शनाई के सारे जहां में ढोल अल्लाह 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 बोल अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल। मेरे ये शेर सिर्फ तसफ़ी दिल के नहीं लिए नहीं, ये आपकी जो है दिलचस्पी का सामान मुहैया करने के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों आपको जाकिर बनाने के लिए हैं। बोलो सब मेरे साथ, बोलोगे तो मैं आगे पढ़ता हूँ, नहीं तो नहीं। अल्लाह 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 बोल अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल पेट में मछली के यूनुस की आह समात किसने की यूसुफ को तारीख कुएं में रख के हिफाजत किसने की मूसा को फिरौन के घर में ला के कफालत किसने की आग को इब्राहिम पे एक गुलजार की हालत किसने की बोल उसी के अल्लाह 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 बोल अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल अल्लाह अल्लाह बोल बंदे अल्लाह अल्लाह बोल आदम का ये बुलंद
رتبہ توبہ و استغفار سے ہے شیطان مردود پہ لعنت سجدے کے انکار سے ناری ہے وہ دوستی اس کی فجار و زنار سے ہے اس کو عداوت عابد زاہد ذاکر اور ابرار سے ہے ذکر اللہ سے توڑ دے ذکر اللہ سے توڑ دے بندے شیطانوں کا غول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول حشر کے دن میزان عمل میں جب بھی تولا جائے گا لا الہ الا اللہ کا پلہ بھاری پائے گا نفسی نفسی کے عالم میں کام نہ کوئی آئے گا اللہ اللہ ہی کا وظیفہ بیڑا پار لگائے گا اللہ اللہ ہی کا وظیفہ بیڑا پار لگائے گا نام اسی کا دل میں بسا لے نام اسی کا دل میں بسا لے گندا ہے ماحول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول شعرائے کرام نے زیادہ تھکا دیا آپ لوگوں کو اصل میں اس لیے میں بھی اتفاق کرتا ہوں لیکن نعت پاک کے چند شعر سنا دیتا ہوں بس اور سنا دیتا ہوں چونکہ مفتی صاحب کے کلمات عالیہ اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ اس معیار پر اترنا ایک آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے تو حاضرین میں بتاؤں آپ کو کہ ابھی چند روز پہلے ایک چینل والے میرے پاس انٹرویو کے لیے پہنچے تھے انہوں نے مختلف سوالات کیے آپ کہاں پڑھے کیسے پڑھے کیا پڑھا کون آپ کے والد ہیں کہاں پڑھا ہے کتنی آپ کی صلاحیت ہے کیا کیا نام جو ہے پوزیشن ہے شاعری کا ذوق کہاں سے پیدا ہوا یہ سب چیزیں پوچھی آخر میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کی آنکھیں نہیں اگر آنکھیں ہوتی تو آپ کیا دیکھنا چاہتے تھے اللہ اللہ اس کا میں کوئی جواب نہ دے سکا لیکن کل ریحان تابش نے میری رہنمائی فرما دی انہوں نے ایک نعت سنائی یہاں بھی سنائے انہوں نے دو شعر اس کے کہ وہ میں ایک کاش میں ایک بار طیبہ دیکھوں مجھے پورا تو یاد نہیں ہے لیکن میں نے اس پر کل سے اب تک جو کچھ کہا ہے وہ آپ کو سنا تھا اس سے پہلے نہ کہیں کاغذ پہ لکھا نہ کہیں نیٹ پہ آپ کو ملے گا سب سے پہلی بار پڑھ رہا ہوں جو ہے اور ریحان صاحب کا ترنم بہت اچھا ہے میرے پاس وہ ترنم تو نہیں ہے اس کی نقل تو میں کر نہیں سکتا لیکن میں نے اپنے اشعار کہے اس بہر میں جی حضرت عطا ہو میری خواہش نہیں میری خواہش نہیں دنیا کا تماشا دیکھوں آئے آئے سبحان اللہ میں اگر دیکھوں کبھی گنبد خضرا دیکھوں ایک حسرت ہے کہ جو ایک حسرت ستاتی ہے مجھے ایک حسرت ہے کہ رہ رہے کہ ستاتی
अपनी आँखों से मैं सरकार का रोजा देखूं, अपनी आँखों से मैं सरकार का रोजा देखूं। और साहब सुनो कि तीन दिन जिस में मुहम्मद रहे बूबकर के साथ, तीन दिन जिस में मुहम्मद रहे बूबकर है के उस गार का नक्शा देखूं, ये तमन्ना है के उस गार का नक्शा देखूं। मेरी ख्वाहिश नहीं दुनिया तमाशा देखूं, जिंदगी बीत गई नेमत खाते खाते, जिंदगी मरते दम भी मैं तेरे लुत्फ का दरिया देखूं, मरते दम भी मैं तेरे लुत्फ का दरिया देखूं। और शायर शुरा लोग सुन रहे हैं, खासतौर से सुनो मेरा शेर कि नात नाते पाक के हर शेर के आईने में, नाते पाक के हर शेर के आईने में आपके करे पुरनूर का हुलिया देखूं, आपके पे करे पुरनूर का हुलिया देखूं। मेरी ख्वाहिश नहीं दुनिया कब्र में भी मेरी मौलाए करम कर देना, कब्र में भी मेरी मौलाए करम कर देना, जिस तरफ दे सरकार का चेहरा देखूं, जिस तरफ देखूं मैं सरकार का चेहरा देखूं। मेरी ख्वाहिश नहीं दुनिया का तमाशा देखूं। और
एक शेर अभी ज़हन में आ रहा है, बिल्कुल ताज़ा मेरे हैं, क्या नाम है? मेरी गर मेरी आँख खुले देख के कुरान पढ़ूं, गर मेरी आँख खुले देख के कुरान पढ़ूं, और कुछ देखूं तो माँ बाप का चेहरा देखूं, और कुछ देखूं तो माँ बाप का चेहरा देखूं, मेरी ख्वाहिश नहीं दुनिया का तमाशा देखूं, शेर कोई के फलक पर नात गोई के फलक पर मैं पहुँच कर मोहसिन, नात गोई के फलक पर मैं पहुँच कर मोहसिन, दिल की आँखों से मैं फिरदौस का रास्ता देखूं, दिल की आँखों से मैं फिरदौस का रास्ता देखूं, जब भी देखूं मैं कभी गुंबदे खजरा देखूं। चलो एक नादे पाक और सुना देते हैं आपको। आप जो है बहुत देर से मेरी इंतजार में बैठे हैं, तो मेरा जी चाहता है कि सुना दूं, लेकिन तबीयत में ज्यादा इंबिसात है नहीं है। कि उनके गेसू खुले जिस घड़ी शब के मारो को नींद आ गई, मुस्कुराए जो मेरे नबी चांद तारों को नींद आ गई, आप तशरीफ फरमा हुए रहमतों की घटा छा गए, रहमतों की घटा छा गई, कोई मन मंजर कशी क्या करे, कोई मन मंजर कशी क्या करे, जब नजारों को नींद आ गई, मुश्के फिरदौस शर्मा गई, फूल बूटों की औकात क्या, फूल बूटों की औकात क्या, खुद बहारों को नींद आ गई, मुस्कुराए जो मेरे नबी चांद तारों को नींद आ गई। नाते पाक सुना रहा हूँ और शायरी सुना रहा हूँ आपको मेरे भाइयों, जी जी, इसलिए मैं दाद की भीख बिल्कुल कभी मांगता नहीं, ना मुझे आदत है, लेकिन सुनो आप माशाल्लाह मुतवज्जे होकर के सुनो। हजरत आपने वो नाज सुना के सबको आपदीदा कर दिया। मुस्कुराए जो मेरे नबी चांद तारों को नींद
नींद आ गई। बात अहले अरब की नहीं, सारी दुनिया ही बेचैन थे, सारी दुनिया ही बेचैन थी। बात अहले अरब की नहीं, सारी दुनिया ही बेचैन थे, सारी दुनिया ही बेचैन थी। है ये फैज़े ज़हूर आपका, है ये फैज़े ज़हूर आपका, बेकरारों को नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। बहुत खूबसूरत जिक्र अहमद का सदका है ये, बज़्मे गीती मुनव्वर हुई, बज़्मे गीती मुनव्वर हुई। जलवाए नूर सरकार से, जलवाए नूर सरकार से, सब शरारों को नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, शुक्र है नात की बज़्म में, नाम एहसान मोहसिन का है, सुन के अशआर मद है नबी, शाहकारों को नींद आ गई। मुस्कुराए जो मेरे नबी, चांद तारों को नींद आ गई। माशाल्लाह भाई, आप हजरात को तो नींद नहीं आई ना अभी? नहीं माशाल्लाह, सब हमतन गोश है। हजरत मेरे नबी की फरमाइश है, तकलीफ जरूर होगी आपको, हम माजरत चाहते हैं, लेकिन इतना बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है, पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है, चंद अशार आप पढ़ दीजिए, मेहरबानी होगी। कौन से? अच्छा 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 अच्छा, पढ़ देते हैं। आप जब भी पढ़ते हैं नया लगता है। जी पढ़ देते हैं। ये मेरी इल्हामी नात पाक है, इससे मुझे इनकार भी नहीं किया जा सकता, और इस नात पाक ने मुझे तकरीबन आधी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह में घुमा दिया, और सारी दुनिया में मुझे मुतारफ करा दिया। ये नात पाक मेरी जो है यकीनन मेरी मेरे लिए बहुत बड़ा सरमाया है, मैं जरूर सुना देता हूँ दो चार बंदे इसके आपको। कि वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की, वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है। वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। वश्शम्स ज़ोहा चेहराए अनवर की झलक है, वल्लैल सजागे सुवे हजरत की लचक है, आलम को जिया, आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफाना लक जिक्रक। दावे में आप भी तो शरीक हो जाया करो। अल्लाह का फरमान नशरह लक सदरक,
मंसूब है जिससे और फाना लक जिक्रक जिस जात का कुरान जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है मेरा नबी बोलो वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है मुज़म्मिल यासीन व मुद्दसिर ताहा क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा क्या शान है उसकी क्या शान है उसकी के जो उम्मीद कभी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो मेरा नबी है किस दर्जा जमाने में थी मजलूमी औरत फिर किसकी बदौलत मिली से इज्जत और रफ़त वो मोहसिन गम खार वो मोहसिन गम खार हमारा ही नबी है वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है वो इनका नबी उनका नबी सबका नबी है वो मेरा नबी है वो मेरा नबी है चूको स्टार आला क्वालिटी के उम्दा लजीज चॉकलेट्स उलमा हुफाज और तिजारत करने वालों के लिए बेहतरीन मौका चूको स्टार औरंगाबाद मजीद तफसीलात के लिए अभी कॉल करें मदारिस और मकाती वालों के लिए खुशखबरी मुफ्ती अरबियन ड्रेस अरबी जुब्बा शाया तोब और सदरी हाफिज आलिम फाजिल मुफ्ती बनकर फारिग होने वालों और मकतब के बच्चों के लिए एक नया तोहफा सालाना प्रोग्राम में इनामात देने के लिए एक अनोखी चीज इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें मुफ्ती अरबियन ड्रेस इब्राहिमपुरा भोपाल इंडिया ऑनलाइन दारुल उलूम फारूकिया इंटरनेशनल 11 साल पुराना ऑनलाइन इदारा आइए आप अपने छोटे बड़े और घर की ख्वातीन को घर बैठे ऑनलाइन तालीम हासिल करा सकते हैं कि हमारे यहाँ ऑनलाइन नाजरा हिफ्स और तजवीद उर्दू आलमा कोर्स तर्जमा कुरान कोर्स हदीस कोर्स सिरात मुस्तकीम कोर्स वगैरह बहुत से कोर्सेज हैं तफसीलात के लिए राबता करें 7860617983